राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच हुए रोमांचक मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने मैच जीत लिया, लेकिन इस जीत का असली कारण जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, आप भी सोच रहे होंगे कि शायद राजस्थान के किसी प्लेयर ने ब्रिलियंट गेम दिखाते हुए मैच जीत लिया, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उल्ट ही, क्योंकि दिल्ली के कप्तान गौतम गंभीर बल्लेबाजी करने के लिए ही नहीं आए। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 17.5 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 153 रन ही बनाए थे कि तभी वहां पूरे जोर से बारिश शुरू होने लगी और मैच को बीच में ही रोकना पड़ा। मैच को तकरीबन 2 घंटे के लिए रोकना पड़ा और दोनों टीमों को ग्राउंड से बाहर बैठना पड़ा, लेकिन जब ओवर्स कट डाउन होने शुरू हुए तो राजस्थान रॉयल्स के खेमे में मायूसी सी छाने लगी। उन्हें लग रहा था कि अगर मैच में ओवर्स कम हुए तो उनके जीतने के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे, और हुआ भी वैसा ही। जब मैच दोबारा शुरू किया गया तो सिर्फ 6 ओवर्स का मैच ही करवाया गया, लेकिन इसका नुकसान तो दिल्ली डेयरडेविल्स को उठाना पड़ा, क्योंकि उनके 6 ओवर्स में 71 रन का टारगेट मिला था। टारगेट तो कुछ ऐसा था कि बन भी सकता था, लेकिन दिल्ली डेयरडेविल्स के बैट्समैन गंभीर की जगह ओपनिंग करने ग्लेन मैक्सवेल आए। मैक्सवेल भी टीम को जितवा ना सके, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के बॉलर्स की कसी हुई गेंदबाजी उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद ऋषभ पंत भी अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन सभी को हैरान करने वाली बात रही कि गौतम गंभीर खुद बैटिंग करने नहीं आए। इसका कारण तो अभी तक किसी को पता नहीं चला। आपके गौतम गंभीर के बैटिंग ना करने का फैसला कैसे लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। दुनिया भर की वायरल बात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।